Hello dear students, today we are going to start lesson 7 and the name of lesson is measures of capacity. ठीक है, किसी भी चीज़ की जो capacity होती है उसे हम किस तरह से measure करते हैं, इस chapter में हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे related कुछ exercise जिन्हें हम solve करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास कुछ key points हैं, यानी कि important points हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं. First है, liquid like water, milk, केरोसिन, ऑयल एट्सेट्रा आर मेजर्ड इन लीटर्स. ठीक है, जो भी चीज़ें क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, केरोसिन, ऑयल और इस तरह की और चीज़ें, उन्हें हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर्स में. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स. और जो लिक्विड की स्मॉल क्वांटिटी होती है, मीन्स जो कम मात्रा में हमारे पास होती है, उसे हम किस में मेज़र करते हैं, मिलीलीटर्स में. तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 लीटर, जिसे एल से डिनोट किया है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स. ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने समझ लिए हैं. अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.01. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स है यहाँ पर फिल करना है. क्या है यहाँ पर, फर्स्ट हमारे पास 1 लीटर इक्वल टू, 1 लीटर इक्वल टू वेसल्स, यानी कि कुछ बर्तन है जो कि कितना है, 500 ml का है. ठीक है, 500 मिलीलीटर का है. तो 1 लीटर में हमें पता है कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000, और 1000 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे, 500 एंड 500. ठीक है, तो जब 500 मिलीलीटर का वेसल है तो हमें कितने वेसल यूज़ करने होंगे, दो. जब हम टू वेसल्स यूज़ करेंगे 500 ml के, तब जाके वो कितना होगा, 1 लीटर. तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2. सेकेंड है, 1 लीटर इक्वल टू डैश वेसल्स ऑफ 200 ml. 200 ml के कितने वेसल्स हम लेंगे कि 1 लीटर हो जाए. ठीक है, 200 ml का कितना यूज़ होगा, हम क्या करेंगे, 1000 को 200 ml से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5. ठीक है, 5 वेसल्स ऑफ 200 मिलीलीटर. थर्ड है हमारे पास 500 मिलीलीटर. ठीक है, 500 मिलीलीटर कैसे होगा, कितनी वेसल्स चाहिए होंगी, 100 ml की. तो 100, 200, 300, 400, 500, तो कितने वेसल्स हमें चाहिए, 5 वेसल्स. नंबर 4, 200 ml. 200 ml के लिए कितने वेसल्स चाहिए, 50 ml के. 50 + 50 = 100 + 50 = 150 + 50 = 200, तो कितने वेसल्स हो गए, 4. नंबर 5 है, 100 ml, कितने वेसल्स चाहिए 50 ml के, 50 + 50 = 100, तो यानी कि 2 वेसल्स. ठीक है, तो इस तरह से आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ऐड, आपको क्या करना है, ये लीटर है, मिलीलीटर है, इन्हें ऐड करना है. तो हम इसे ऐड करेंगे, 0 + 0 = 0, 5 + 5 = 5, देन 6, 7, 8, 9, 10. 10 का क्या लिखेंगे, 0 carry 1. 3 + 2 = 5 + 1 = 6. 5 + 3, 5 के बाद 6, 7, 8. 2 + 2 = 4. नेक्स्ट करेंगे 0 + 0 = 0, 5 + 5 = 10. 10 का लिखेंगे 0 carry 1. 4 + 2 = 6 + 1 = 7. 7 + 2, 7 के बाद 8, 9. 3 + 3 = 6. नंबर थर्ड हम करेंगे इस तरह से, 0 + 0 = 0, 5 + 5 = 10. 10 का लिखेंगे 0 carry 1. 3 + 1 = 4 + 1 = 5. 6 + 3, 6 के बाद 7, 8, 9. एंड 4 + 4 = 8. नंबर 4, 0 + 5 = 5, 5 + 5 = 10. 10 का 0 carry 1. 7 + 1 = 8 + 1 = 9.
एट प्लस वन नाइन, फाइव प्लस फोर, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन। नंबर फाइव, फाइव प्लस जीरो फाइव, सेवन प्लस जीरो सेवन, फोर प्लस टू सिक्स, फाइव प्लस थ्री, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट। सिक्स प्लस फाइव, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन टेन इलेवन। तो यहाँ पे इलेवन का हम क्या लिखेंगे, इलेवन, क्योंकि यहाँ आगे ऐड करने के लिए नहीं है। नंबर सिक्स, थ्री प्लस जीरो थ्री, एट प्लस वन नाइन, सिक्स प्लस वन सेवन, एट प्लस टू टेन, टेन का लिखेंगे ज़ीरो कैरी वन। सेवन प्लस सिक्स, सेवन के बाद एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, प्लस वन फोर्टीन। यहाँ पर कितना आ गया, फोर्टीन। नंबर सेवन, फाइव प्लस ज़ीरो फाइव, सेवन प्लस नाइन, सेवन के बाद एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। सिक्सटीन का क्या लिखेंगे, सिक्स कैरी वन, थ्री प्लस वन फोर, प्लस वन फाइव। सिक्स प्लस फोर, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन टेन, टेन का ज़ीरो कैरी वन। एट प्लस फाइव, एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, प्लस वन फोर्टीन। तो फोर्टीन का हम लिख देंगे यहाँ पे फोर्टीन। नंबर एट, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, सिक्स प्लस ज़ीरो सिक्स, फाइव प्लस थ्री एट, सिक्स प्लस सेवन, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन का लिखेंगे थ्री कैरी वन। नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस एट एटीन, तो हमने यहाँ पे लिखना है एटीन। नंबर नाइन, ज़ीरो प्लस फाइव फाइव, फाइव प्लस ज़ीरो फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, टू प्लस वन थ्री। नंबर टेन, फाइव प्लस ज़ीरो फाइव, फाइव प्लस ज़ीरो फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, एट प्लस टू टेन, टेन का ज़ीरो कैरी वन। सेवन प्लस सिक्स, सेवन के बाद एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, प्लस वन फोर्टीन। यहाँ पे लिख दिया हमने फोर्टीन, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.03। क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 0 माइनस 0, 0, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता है, तो यहाँ से बोरो करेंगे। 3 को क्या कर देंगे हम, 2, और 0 का 10, 10 माइनस 5 फाइव, टू माइनस टू ज़ीरो, फाइव माइनस थ्री टू, एंड थ्री माइनस टू वन। नेक्स्ट करेंगे हम इस तरह से, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, फाइव माइनस फाइव ज़ीरो, फोर माइनस टू टू, सेवन माइनस टू फाइव, फोर माइनस थ्री वन। नंबर थर्ड करेंगे, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, फाइव माइनस फाइव ज़ीरो, टू माइनस वन वन, सिक्स माइनस थ्री थ्री, फाइव माइनस टू थ्री। नंबर फोर्थ, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, फाइव माइनस फाइव ज़ीरो, सेवन माइनस वन सिक्स, एट माइनस वन सेवन, सिक्स माइनस वन सेवन फाइव। नंबर फिफ्थ करेंगे, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, फाइव माइनस ज़ीरो
5, 6 minus 3, 3, 0 minus 0, 0, 7 minus 1, 6. नंबर 6 हम करेंगे 5 minus 0, 5, 0 minus 5 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे तो 7 का हो गया यहाँ पर क्या 6 और 0 का 10, 10 minus 5, 5, 6 minus 2, 4, 8 minus 2, 6 and 8 minus 6, 2. नंबर 7, 0 minus 9 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे क्या है पहले से ही 0 है तो 2 से हम यहाँ बोरो करेंगे, 2 का हो गया क्या 1, यहाँ पर 0 का क्या होगा 10, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ बोरो करना है, इसलिए हम इसे पहले क्या कर देंगे यहाँ पर 9 और इसको कर देंगे यहाँ पे 10, तो 10 minus 9, 1, 9 minus 9, 0, 1 minus 1, 0, 8 minus 1, 9 minus 2. नंबर 8 हम करेंगे 0 minus 0, 0, 5 minus 0, 5, 3 minus 3, 0, 7 minus 7, 0 and 3 minus 0, 3. नंबर 9 हम करेंगे 0 minus 0, 0, 5 minus 2, 3, 7 minus 3, 4, 0 minus 1 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो गया 1 और 0 का 10, 10 minus 1, 9, 1 minus 1, 0. नंबर 10, 0 minus 0, 0, 5 minus 5, 0, 3 minus 1, 2, 1 minus 2 नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे बोरो करेंगे, 3 का हो जाएगा 2 और 1 का 11, ठीक है, तो 11 minus 2, 9, 2 minus 1, 1, ठीक है. तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको क्या है आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगी. पहले आपको इसे अच्छे से समझना है, अच्छे से सब्ट्रैक्ट करना सीखना है, फिर जाके जो आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज दिखाई देगी उसे सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 7.05 और हमारे पास इसमें क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स. हम इसमें क्या करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, अ मिल्क वैन बॉट 850 लीटर ऑफ मिल्क. एक मिल्क वैन है, दूध वाली गाड़ी देखी होगी आपने, उन्होंने क्या किया 850 लीटर मिल्क खरीदा. इट डिलीवर्ड 685 लीटर ऑफ मिल्क एट टू बूथ्स. दो बूथ पर उन्होंने क्या किया 685 लीटर मिल्क क्या है डिलीवर कर दिया. हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट इन द मिल्क वैन. अब आपको बताना है कि मिल्क वैन में कितना मिल्क अब रह गया है. तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, मिल्क इन द मिल्क वैन वॉज, मिल्क वैन में कितना मिल्क था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना था वहाँ पर जो उसने खरीदा था 850 लीटर. मिल्क डिलीवर्ड बाय द मिल्क वैन, और मिल्क वैन ने कितना डिलीवर किया, तो उन्होंने कितना डिलीवर किया उससे 685 लीटर. सो मिल्क लेफ्ट इन द मिल्क वैन, तो फिर मिल्क वैन में कितना मिल्क बचा, दैट इज हम क्या करेंगे जो पहले जितना मिल्क था वैन में कितना था 850 लीटर, उसमें से क्या माइनस करेंगे जो उसने डिलीवर किया दो बूथ पर 685 माइनस करेंगे. तो 0 minus 5 नहीं होता है, यहाँ से बोरो करना है, 5 का क्या हो जाएगा 4 और 0 का 10, 10 minus 5, 5, 4 minus 8 नहीं होगा तो यहाँ से बोरो करेंगे, 8 का हो गया क्या 7 और 4 का 14, 14 minus 8, 6, 7 minus 6,
वन, तो यानी कि 165 लीटर जो है अब क्या मिल्क वैन में रह गया है। सेकंड हम देखेंगे अ टी शॉप ओनर बाउट 15 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। एक क्या है चाय की दुकान वाला है जो वहाँ का मालिक है, उसने क्या किया मॉर्निंग में मिल्क खरीदा था कितना 15 लीटर एंड 500 मिलीलीटर एट द क्लोज ऑफ द डे, और जब वो शॉप क्लोज करने लगा शाम को 8 लीटर 285 मिलीलीटर ऑफ मिल्क लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितना मिल्क अभी बचा हुआ था 8 लीटर एंड 285 मिलीलीटर। हाउ मच ऑफ मिल्क वॉज यूज बाय हिम टू प्रिपेयर टी, तो उसने दिन भर में कितना मिल्क यूज़ किया है चाय बनाने के लिए। ठीक है, वो क्या है चाय की दुकान वाला है तो उसने कितना दूध यूज़ किया वो आपको बताना है। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे मिल्क बाउट बाय टी शॉप ओनर, जो चाय की दुकान वाला है उसने कितना मिल्क खरीदा था पहले 15 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। ठीक है, मिल्क लेफ्ट विद हिम एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में उसके पास कितना दूध बच गया था कितना मिल्क रह गया था दैट इज 8 लीटर एंड 285 मिलीलीटर। सो मिल्क यूज्ड बाय हिम, तो उसने कितना दूध यूज किया दिन भर में हम कैसे बताएंगे, जो टोटल मिल्क है टोटल कितना है मिल्क ओनर के पास, यहाँ पर हम लिखेंगे लीटर और मिलीलीटर, लीटर में है 15 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, और जो उसके पास बच गया था वो कितना है 8 लीटर एंड 285 मिलीलीटर। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि उसने कितना मिल्क यूज़ किया, 0-5 नहीं होगा, यहाँ से बोरो नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से बोरो करेंगे तो 5 का रह जाएगा 4, यहाँ पर 10 होगा लेकिन हमें यहाँ बोरो करना है तो 10 का भी क्या होगा यहाँ पर रहेगा 9 और यहाँ पर 0 का 10, 10-5 5, 9-8 1, 4-2 2, एंड यहाँ पर 15-8 कितना होगा 7, तो यानी कि उसके पास 7 लीटर 215 मिलीलीटर उसने यूज़ किया चाय बनाने में। नंबर थर्ड हमारे पास अ टिन कंटेन 25 लीटर 350 मिलीलीटर ऑयल, एक टिन कंटेनर है जिसमें कितना ऑयल है 25 लीटर एंड 350 मिलीलीटर। अनदर कंटेन्स 29 लीटर 480 मिलीलीटर ऑयल, और जो दूसरा टिन कंटेनर है उसमें है 29 लीटर एंड 480 मिलीलीटर ऑयल। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑयल इन बोथ कंटेनर्स टुगेदर, अब आपको क्या बताना है कि जो बोथ कंटेनर है दोनों कंटेनर है उनमें टोटल ऑयल की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ऑयल कंटेन्स बाय फर्स्ट टिन कंटेनर, जो फर्स्ट टिन कंटेनर है उसमें कितना ऑयल है तो हमारे पास वो कितना है 25 लीटर एंड 350 मिलीलीटर। ऑयल कंटेंट इन अनदर टिन कंटेनर, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें कितना है 29 लीटर एंड 480 मिलीलीटर। सो द टोटल ऑयल कंटेंट इन बोथ कंटेनर्स, ठीक है तो दोनों कंटेनर्स में कितना ऑयल है तो हम क्या करेंगे पहले ऊपर लिख देंगे यहाँ पे लीटर और यहाँ मिलीलीटर, तो फर्स्ट कंटेनर में कितना है 25 लीटर एंड 350 मिलीलीटर, अनदर कंटेनर में है 29 लीटर एंड 480 मिलीलीटर, इन्हें हम ऐड कर देंगे जीरो प्लस जीरो जीरो, एट प्लस फाइव, एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन का लिखेंगे थ्री,
carry 1, 4 plus 3, 7, plus 1, 8. 9 plus 5, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14. 14 का लिखेंगे 4, carry 1. 2 plus 2, 4, plus 1, 5. तो 54 लीटर एंड 830 मिलीलीटर ऑयल है दोनों कंटेनर में. फोर्थ हमारे पास, अ ग्लास हैज 275 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एंड अ मग हैज 125 मिलीलीटर ऑफ मिल्क. एक ग्लास है जिसमें कितना है, 275 ml मिल्क है, और जो एक मग है उसमें है 125 ml मिल्क. द मिल्क फ्रॉम द बोथ इज पोर्ड इनटू अ बॉटल. फिर क्या किया, मग और ग्लास दोनों का जो मिल्क था वो एक बॉटल में डाल दिया. हाउ मच मिल्क डज द बॉटल हैव. अब आपको बताना है कि बॉटल में कितना मिल्क होगा. तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका. मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में कितना मिल्क था, 275 मिलीलीटर. मिल्क इन द मग, और मग में कितना था, 125 मिलीलीटर. सो द मिल्क पोर्ड फ्रॉम बोथ मग एंड ग्लास इनटू द बॉटल इक्वल टू. तो जब हमने क्या किया, मग और ग्लास दोनों से बॉटल में मिल्क को डाल दिया, तो वो टोटल कितना हुआ वो हम बताएंगे. तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, 275 मिलीलीटर प्लस 125 मिलीलीटर, इसे हम ऐड करेंगे. 5 प्लस 5 10 का 0, carry 1, 7 plus 2, 9, plus 1, 10, 10 का 0, carry 1, 2 plus 1, 3, plus 1, 4, तो ये कितना आ गया, 400 milliliter, तो बॉटल में कितना मिल्क हुआ, 400 milliliter. सो स्टूडेंट्स, इस लेसन को आप अच्छे से समझेंगे, इसकी एक्सरसाइजेज अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जो गिवन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं उन्हें वीडियो पॉज कर या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में सॉल्व करेंगे. थैंक यू.